कराहल जनपद सदस्य सहित तीन जनप्रतिनिधियों ने छोड़ी भाजपा, अब कांग्रेस प्रत्याशियों की ताकत बढ़ाने के लिए कांग्रेस में हुए शामिल। वैसे तो चुनाव हो या उपचुनाव, इस दौर में पार्टी के नेताओं के शामिल होने और इस्तीफे का सिलसिला बना हुआ है, मगर जब चुने हुए जनप्रतिनिधि यदि पार्टी छोड़ते हैं तो इसका बड़ा असर देखने को मिलता है, और हुआ भी ऐसा। कराहल में जहाँ उपचुनाव से पहले कराहल की तीन वर्तमान जनपद सदस्यों ने बीजेपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें सदस्यता स्वयं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश हाईकमान जीतू पटवारी और दिग्गज नेता जयवर्धन सिंह ने दिलाई। कराहल जनपद सदस्य राजू कुशवाहा इस बार के जन चुनाव में जनपद सदस्य चुने गए थे और अभी तक बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, मगर बीजेपी में उन्हें वह सम्मान नहीं मिल रहा था जिसके लिए वह हकदार थे। इसके चलते अभी हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी और अंततः 25 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ जनपद सदस्य ममता जारुली और विनोद लांगुरिया ने भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राजू कुशवाहा जी, आज आप क्या कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं? हाँ, आज मैं कांग्रेस की सदस्यता ले रहा हूँ। क्या कारण रहे, क्यों लेना चाहते हैं? बीजेपी की सदस्यता लेने से लेकर आज दिनांक तक बीजेपी पार्टी वालों ने कभी भी मुझे किसी भी कार्यक्रम में बुलाया नहीं है, इससे मेरी नाराजगी है, इसलिए मैं आज कांग्रेस की सदस्यता ले रहा हूँ। कितने लोग हैं जो आपके साथ जा रहे हैं? लोग तो बहुत हैं, हम एक टीम के साथ जा रहे हैं। तीन जनपद सदस्य हैं, डॉक्टर साहब हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और भी बहुत लोग हैं। क्या क्या लगा आपको इतने समय आप बीजेपी में रहे, क्या लगा, क्या ठीक चल रहा है यहाँ सब? मैं बीजेपी में गया था, बीजेपी की रीति और नीति से प्रभावित होकर बीजेपी में गया था, लेकिन जहाँ वहाँ पर जाके देखा कि बीजेपी की रीति और जो नीतियाँ हैं वो बदल गई हैं। अब बीजेपी में वो बात नहीं रही जो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की थी। आप जनपद सदस्य भी रहे, आपने चुनाव जीता, कितना प्रभाव डाल देंगे आप कांग्रेस पार्टी की? ये तो आने वाले समय में बताएगा, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करूँगा। क्या कहते हैं, कुछ मनाने का दौर, आपने पोस्ट भी डाली थी, कुछ मनाने का दौर भी आया? मनाने का दौर तो आया था, कुछ लोगों ने फोन भी लगाया, लेकिन फोन से क्या, चुनावी माहौल है इसलिए वो पूछ रहे हैं, इसके बाद वो पूछते नहीं है। अच्छा, मतलब चुनाव के बाद आप रहते भी तो कोई बात नहीं रहती बीजेपी में? वो लोग पूछते नहीं है, कुछ लोग हैं जो चुनिंदा लोग हैं उनको पूछा जाता है, चाहे प्रतिनिधि हो चाहे कोई भी कितना भी कुछ हो, उनको पूछते नहीं है। कौन आ रहा है बीजेपी में जो इसकी समस्या आप सदस्य लेने वाले हैं? माननीय जयवर्धन सिंह जी आ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आ रहे हैं और भी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। क्या मान रहे हैं यहाँ पे बीजेपी वाले, कह रहे हैं कि हमारी जीत तो पक्की है, हम तो 20,000 से भी जीतेंगे, 30 से भी जीतेंगे, कल तो सांसद जी ने कहा है पूर्व ने कि 50 से भी जीतेंगे, क्या लग रहा है? कहने के लिए तो उन्होंने मेवरा जी के टाइम भी कहा था, उस टाइम भी क्या हुआ था, उस टाइम भी कांग्रेस जीती, इस टाइम भी कांग्रेस जीतेगी, कहने का क्या, कोई कुछ भी कहता है वो तो क्या, चुनाव के टाइम ये दिखाया जाता है कि प्रत्याशी खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रत्याशी बहुत अच्छा प्रत्याशी है, उसकी सभी समाजों में पकड़ है। तो जीत के लिए बढ़ रही है कांग्रेस? हाँ, जीत के लिए कांग्रेस बढ़ रही है, सुनिश्चित है कांग्रेस की जीत। जी ममता जारोलिया जी, कि आज आप क्या कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं? जी। अभी तक आप बीजेपी में थी, क्या कमी लगी बीजेपी में? बीजेपी में जी कमी लगी थी कि हमारी कोई जनपद सदस्य होकर कोई गिनती नहीं थी और भ्रष्टाचारी चल रही है, हर जगह भ्रष्टाचारी चल रही है, पंचायतों में, सभी जगह, जनपद में। क्यों, मतलब आपने काफ़ी शिकायत की, क्यों नहीं, क्यों शिकायतों पे कार्रवाई नहीं होती? किसी ने भी नहीं सुनी, सीओ साहब ने भी नहीं सुनी, कोई और ने भी नहीं सुनी, हमने बहुत शिकायत की थी। लगता है इस तरह जनपद सदस्य अगर पार्टी छोड़कर जाएंगे तो क्या पार्टी जीत जाएगी? नहीं जीतेगी, यहाँ के कुछ ठेकेदार हैं उनको वे जिताएंगे, हम लोग जनपद सदस्य थोड़ी जिताएंगे, ठेकेदारों पर विश्वास करते हैं। तो क्या इस बार कांग्रेस जीत पाएगी? आप सब लोग शामिल हो रहे हैं? हम सब लोग शामिल होंगे तो जीतेगी।